बच्चा, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं किसकी बेटा, सब लिंगुअल ग्लैंड। तो सब लिंगुअल ग्लैंड की अगर बात करते हैं, तो मैंने आपको लोकेशन बताया कि इट इज जस्ट प्रेजेंट जस्ट बिलो द टंग, और फिर मैंने बताया कि टंग के नीचे है। तो जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, तो सपोज ये वाली सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड हो गई। अब मैंने कहा कि जो सब लिंगुअल ग्लैंड है वो ओपन करेगी बकल कैविटी में बाय मैनी डक्ट्स, बहुत सारी डक्ट मिलके ओपन करती है ना, तो बहुत सारी मिलके डक्ट ओपन करती है। तो अपन ने जो डक्ट्स बनाएंगे ना, ये बहुत सारी, ये मैंने सपोज ये तो बनाया है अपर जॉ, ये बनाया बचा लोअर जॉ, और ये टंग। मैं लोकेशन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शक्ल से नहीं दिख रही कि ये टंग है, फिर बता रहे। और ये नीचे प्रेजेंट हो गई आपकी कौन सी ग्लैंड बेटा, सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। तो ये सब लिंगुअल ओपन हो रही है जस्ट बिलो द टंग बाय अ नंबर ऑफ डक्ट्स, बहुत सारी डक्ट्स मिली। तो आपको सिंपली क्या याद रखना है, डक्ट्स ऑफ रिविनस। तो इनके डक्ट्स का नाम हो जाता है डक्ट्स ऑफ रिविनस, ठीक है जी। तो हमने ग्लैंड के नाम पढ़ लिए, उनके लोकेशन, इनके डक्ट के नाम क्या है, और साथ में क्या सिक्रीशन कर रही है। तो सबसे पहला आपका पैरोटिड ग्लैंड है, या दीपिका यू वांट टू से समथिंग बेटा। तो इसका भी सिक्रीशन क्या होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड भी केवल सलाइवा रिलीज कर रहा है, जिसके अंदर केवल क्या प्रेजेंट है बेटा, म्यूसिन, म्यूसिन प्रेजेंट है, सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट नहीं होता। तो हमने तीन टाइप की ग्लैंड पढ़ी, पहला पैरोटिड, सेकेंड सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर, और तीसरा सबलिंगुअल। फिर हमने इनकी लोकेशन पढ़ी कि लोकेशन कहाँ पे है, पैरोटिड जो लार्जेस्ट है इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ईयर एंड अबाउट द अपर जॉ, सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर जस्ट बिलो द लोअर जॉ एज वेल एज अपर जॉ के दोनों के इधर प्रेजेंट होती है, सबलिंगुअल टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। फिर हमने इसकी ओपनिंग देखी कि ओपन कहाँ होती है, तो यूजुअली पूछ लेते हैं पैरोटिड ग्लैंड कहाँ ओपन हुई या सबलिंगुअल कहाँ ओपन हुई। तो पैरोटिड ग्लैंड ओपन होती है एट द अपर जॉ के जो सेकेंड मोलर है, वहां सेकेंड मोलर के वहां अपर जॉ, ये। फिर सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ ओपन होती है, तो दैट इज जहाँ पे इंसाइजर है। अब आप देखो जहाँ इंसाइजर है ना, उसी के एग्जैक्ट पीछे फ्रेन्युलम भी है, फ्रेन्युलम जिससे टंग लोअर पैलेट से जुड़ा रहता है। तो कई बार लोकेशन ये भी आ सकता है जस्ट नियर द फ्रेन्युलम, तो वो करेक्शन, वो आंसर भी करेक्ट होगा। अगर जस्ट द लोअर इंसाइजर नहीं आता है, वहां पे आता है, तो वो ऑप्शन भी करेक्ट रहेगा आपका, लोअर जॉ के टंग के नीचे। और सबलिंगुअल जो है वो तो पूरी ही टंग के नीचे से रिलीज कर रही है बाय द डक्ट्स ऑफ रिविनस। केवल पैरोटिड ग्लैंड है जिसके सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो हम इसको लिख ही लेते हैं बच्चा, शुड आई रब दिस। अब हम देखते हैं जो सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या रिलीज करती है। तो सलाइवरी ग्लैंड रिलीज सलाइवा रिलीज करती है, कितना अमाउंट रिलीज करती है, तो पूरे दिन भर में 1 से लेके 1.5 लीटर, पूरे दिन भर में हमारे बकल कैविटी में जो सलाइवा रिलीज होता है वो 1 लीटर से 1.5 लीटर तक रिलीज होता है। ओके, अब हम देखेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द सलाइवा, सलाइवा का क्या क्या कंपोनेंट है। तो सबसे पहले तो मेजर अमाउंट में तो क्या प्रेजेंट है बच्चा, वाटर, पानी तो है ही। फिर उसके बाद में म्यूसिन, म्यूसिन मतलब कि म्यूकसी, जिसकी वजह से सलाइवा जो है वो थोड़ा म्यूकसी होता है, बिल्कुल फ्री फ्लोइंग नहीं होता। उसके बाद में सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है,
सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो ये कन्वर्ट करता है माल्टोज, सॉरी स्टार्च को माल्टोज। फिर इसके अलावा एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो होता है वो बैक्टीरियोसाइडल होता है, बैक्टीरियोसाइडल। साइड वर्ड कहीं पे भी आता है, इट मींस इट इज रिलेटेड विद द किलिंग, मारना, सुसाइड, अपने आप को मारना, सू मतलब सेल्फ। बैक्टीरियो अपन पढ़ते थे फंजीसाइड, बेडीसाइड, पेस्टिसाइड, पेस्ट को किल करना, तो यहाँ पे बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरिया को किल करने के लिए लाइसोजाइम होता है, बैक्टीरिया के वॉल को डिसरप्ट कर देता है जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाए। इसके अलावा सर्टेन सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। अब बात आती है कि इसका पीएच कितना है, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सलाइवा। सलाइवा का पीएच होता है बच्चा 6.8। हम लोग इसको न्यूट्रल नहीं बोल के इसको हम कह देते हैं स्लाइटली एल्केलाइन, वैसे न्यूट्रल 7 पे होता है ना, लेकिन ये 6.8 इसका पीएच होता है जिस पर सलाइवरी एमाइलेज कैन वर्क। अब क्वेश्चन भी क्या पूछ लेते हैं, क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि सलाइवरी एमाइलेज कैन वर्क एट विच ऑप्टिमम पीएच, कि कौन से ऑप्टिमम, कौन से पीएच पर वो ऑप्टिमम वर्क करेगा, किस पीएच पर वो मैक्सिमम वर्क करेगा। तो आप बोलोगे 6.8 पीएच पर, क्योंकि सलाइवा का खुद का ही पीएच 6.8 होता है। तो ये तो चीज हो गई बच्चा जो हमारी बकल कैविटी में सलाइवा रिलीज होता है वो। अब थोड़े से एक्सेप्शन लेते हैं ह्यूमन बीइंग के अलावा दूसरे एनिमल्स, तो दूसरे एनिमल्स की बात ऐसी है कि चाहे वो हर्बीवोर्स है चाहे वो कार्निवोर्स है, उनके सलाइवा में बटन, मैं आपको ये बता रही थी कि हम लोगों के तो सलाइवरी ग्लैंड का सारा पढ़ लिया, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स जो होते हैं ना बेटा, कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स, इन दोनों के ही सलाइवा पे सलाइवरी एमाइलेज इज एब्सेंट, ये याद है, सलाइवरी एमाइलेज इज एब्सेंट। क्यों बच्चा? कार्निवोर्स तो भाई कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाता ही नहीं है, तो उसको क्या जरूरत है, वो थोड़े चावल खाएगा कि चलो चावल खाता हूँ थोड़ा सा चबाता हूँ। और हर्बीवोर्स की बात ये हुई तो हर्बीवोर्स के अंदर तो बेटा वो भी सेल्युलोज रिच डाइट खाते हैं, और सेल्युलोज को सलाइवरी एमाइलेज डाइजेस्ट नहीं करता, तो जब जरूरत ही नहीं है बॉडी में वो ले ही नहीं रहे हैं तो व्हाट इज द यूज, तो इनके अंदर सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये इसका एक्सेप्शन है कि इनके अंदर सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट नहीं होते इन द हर्बीवोर्स एज वेल एज कार्निवोर्स, ठीक है जी। अब हम लोग आते हैं, ये तो हो गई हमारी सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड। अब नेक्स्ट ग्लैंड जो आई एसोसिएटेड ग्लैंड की बात करें तो लिवर, लिवर बच्चा एक मल्टीटास्कर ग्लैंड है, यानी कि हम कहते हैं कि हमारे जिगर का टुकड़ा, यानी अगर ये नहीं हो ना तो इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, बहुत सारे फंक्शन लिवर करता है। फिर भी हम देखते हैं लिवर है, दैट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड की अगर बात करें तो वो लिवर आती है, मल्टीसेल्यूलर ग्लैंड। और सबसे स्मॉलेस्ट की बात करेंगे ना बच्चा तो पिट्यूटरी आएगी, सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे तो पिट्यूटरी आएगी, लेकिन खैर वो एक अलग बात है कि यहाँ पे थाइमस प्रेजेंट होता है, वो बाद में और छोटा हो जाता है, अभी हम लोग केवल इसकी बात रख रहे हैं। तो लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में, ठीक है जी। कहाँ लोकेटेड होता है? तो इट इज लोकेटेड एट द राइट साइड, जो हमारा राइट साइड होता है वहां पे जस्ट बिलो द डायफ्राम। तो अगर मैं ये जैसे सपोज इस
किसी पर्सन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ। मैंने स्ट्रक्चर बनाया तो ये वाला जो पोर्शन हमारा होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। इस तरह से अपर पार्ट जो होता है इसको कहा जाता है थोरिक रीजन या थोरेसिक, इसको कहा जाता है एब्डोमिनल या एब्डोमन। ठीक है, इसमें तो बच्चा लंग्स और हार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कैविटी आएगी हार्ट पे, और यहां से इसोफेगस भी जाती है, और वो इसोफेगस यहां से आती है और यहां से आके ओपन होती है और ये फिर स्टमक हो जाता है। ठीक है, तो मैंने स्टमक यहाँ बनाया ऐसे खड़ी हूं तो ये मेरा लेफ्ट साइड है, तो स्टमक मेरे इस साइड प्रेजेंट है और लीवर मेरे राइट हैंड साइड, जहां से मैं लिख रही हूँ वो राइट हैंड साइड, तो लीवर यहाँ प्रेजेंट जस्ट। और ये वाला जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है बेटा ये है डायफ्राम, है ना, कई बच्चे इसको डायफ्रेगम कहते हैं, इट इज नॉट डायफ्रेगम, इसमें जी साइलेंट है, इट इज डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, एक डोम शेप स्ट्रक्चर है जो पार्टीशन कर रहा है थोरेक्स रीजन को एब्डोमिनल रीजन से। तो जस्ट बिलो डायफ्राम एट द राइट साइड लिवर इस ठीक है, ट्राइंगुलर लोब स्ट्रक्चर है बेटा, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है इसका। तो पहले तो हो गए लोकेशन, लोकेशन कहाँ प्रेजेंट है, एट द राइट साइड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम, है ना। तीन चार चीजें आपको याद रखनी है, पहली चीज तो एब्डोमिनल कैविटी में है, दूसरी चीज डायफ्राम के नीचे है, तीसरी चीज राइट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे एब्डोमन होता है, मतलब स्टमक होता है, और बच्चा ये मैंने एब्डोमिनल कर दिया तो ये एब्डोमन ही है, ये स्टमक है, ये वाला पूरा रीजन इज कॉल्ड एब्डोमन। और ट्राइलोब स्ट्रक्चर होता है इस तरह, ट्राइलोब नहीं कहेंगे हम, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो हो गया लीवर का लोकेशन। अब हम लोग देखते हैं लीवर का स्ट्रक्चर किस तरह का, तो स्ट्रक्चर की अगर हम स्टडी करते हैं तो लीवर जो है वो बच्चा बाइलोब होता है ना। कुछ रेफरेंस बुक में देखोगे तो उसको फोर लोब बोला होगा कि चार लोब, लेकिन वो चार लोब एक्चुअली होगी दो लोब के अलग अलग पार्टीशन होते हैं। हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएंगे, अगर न्यू एनसीईआरटी में कुछ चेंज हो तो प्लीज बता देना। इस तरह से लीवर का स्ट्रक्चर होता है बेटा, ट्राइंगुलर टाइप स्ट्रक्चर होता है, ये इसके दो पार्टीशन हो जाते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं, एक मेम्ब्रेनस लिगामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसको बांध के रखता है। अपीयर तो ये एक सिंगल यूनिट की तरह होता है। ठीक है, ये वाला हुआ, इसको कहा जाएगा लेफ्ट लीवर लोब, और ये वाला कहलाएगा राइट लीवर लोब। राइट लीवर लोब इज स्लाइटली बिगर इन साइज एज कंपैरिजन टू द लेफ्ट लीवर। ओके जी, अब क्या होता है, दोनों लोब से डक्ट निकलती है, जो लीवर अपना सिक्रेशन करता है। देखो लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर भी सबसे अचंभे की बात यह है कि इसमें से एक भी एंजाइम रिलीज नहीं होता, यानी लीवर कोई एंजाइम ही रिलीज नहीं करती। ठीक है, तो अब हम ये जरूर कहेंगे सिक्रेशन रिलीज करती है, वो सिक्रेशन क्या होता है, दैट इज बाइल जूस। तो अगर मैं कहूँ कि ये लेफ्ट लीवर लोब से लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, देखो कहीं पे भी लीवर वर्ड आएगा ना तो वहां पे हिपेटिक वर्ड भी आ सकता है, क्योंकि हिपेटिक इज द जो लैटिन नेम है लीवर के लिए ही यूज होता है, तो हिपेटिक। तो ये हो गई लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, यहां से निकली राइट हिपेटिक डक्ट, ये राइट हिपेटिक डक्ट मिलके और एक बनाई कॉमन हिपेटिक डक्ट,
ये कॉमन हिपेटिक डक्ट यहाँ पे क्या होता है, एक लोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है अपने अंदर और उसको कंसंट्रेट भी करता है, यानी कि थिक बनाता है। तो ये जो कॉमन हिपेटिक डक्ट है इसके ही थ्रू वो बाइल आ जाएगा और उसी के थ्रू ये इधर फिर बाद में गॉल ब्लैडर में आ भी जाएगा, और जब गॉल ब्लैडर से निकलना होगा, सिक्रीशन होगा, तो वो निकलेगा बच्चा, और इसको कहा जाएगा सिस्टिक डक्ट। अब इसका नाम क्या हो गया, सिस्टिक डक्ट, CYSTIC। लीवर की है तो इसलिए लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, राइट साइड की है तो राइट हिपेटिक डक्ट, दोनों मिली तो कॉमन हिपेटिक डक्ट। कॉमन हिपेटिक डक्ट जब गॉल ब्लैडर के साथ में मीट कर गई तो वो कहलाई सिस्टिक डक्ट। तो ये इस तरह से इसका डक्ट का स्ट्रक्चर है। मैं अभी पेंक्रियाज नहीं बना रही, जब पेंक्रियाज पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे बच्चा। तो पहले हम लोग लेते हैं कि लीवर का स्ट्रक्चर किस तरह का, इंटरनल या बेटा मैम ये लीवर के साथ। अब आता है कि अगर हम इसकी एनाटॉमी लें कि लीवर का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का, तो हम देखते हैं कि लीवर के इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर देखें तो मैं इसे रब कर देती हूँ बच्चा। इंटरनल स्ट्रक्चर जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ लोब्यूल्स। किससे बने होते हैं बच्चा, लोब्यूल्स से बने। तो उन लोब्यूल्स को क्योंकि लीवर में है तो इसलिए हम उन्हें कहते हैं हिपेटिक लोब्यूल्स। बहुत सारे लोब्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं एक सेक्शन कट करके और स्लाइड पे आपको दिखाऊं, लीवर का TS अगर मैं दिखाऊं तो आपको वो स्लाइड पे लो माइक्रोस्कोप में इस तरह से हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे बहुत सारे। मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगी, केवल एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाऊंगी बच्चा। तो इनके अंदर हेक्सागोनल यानी लीवर के अंदर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के लोब्यूल्स प्रेजेंट, तो दीज आर कॉल्ड एज सिंगल लोब्यूल। ये मैंने सिंगल लोब्यूल, ये सिंगल लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ कनेक्टिव। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, अब तो फिर दोबारा तो नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और आ सकता है। जो ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू शीथ, कनेक्टिव टिश्यू के शीथ से कवर्ड रहता है, कनेक्टिव टिश्यू शीथ, और इसको कहा जाता है ग्लिसन्स कैप्सूल। बच्चों को क्या लगता है कि लीवर इज सराउंडेड बाय ग्लिसन कैप्सूल? नहीं बेटा, लीवर के अंदर जो लोब्यूल्स हैं दे आर सराउंडेड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल। तो ईच लोब्यूल इज सराउंडेड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है जी। अब इसके बीच में एक कैनाल प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है सेंट्रल कैनाल, एंड अब इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, दे आर जस्ट हैविंग सर्टेन यू कैन से द सेल्स आर अरेंज ऑल्सो हेक्सागोनिकली, यानी कि हेक्सागोनिकली ही सेल्स अरेंज होते हैं। अब जो सेल्स होंगी नेचुरली लीवर की सेल्स है तो हम उनको क्या बोल सकते हैं बेटा, हिपेटिक सेल्स। हाँ, या तो हिपेटिक सेल्स या फिर हिपेटोसाइट, है ना, हिपेटिक सेल्स या फिर हिपेटोसाइट। तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे ये हिपेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है लाइक दिस, यहाँ पे भी ये हिपेटिक सेल्स जो होती है ना दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ द बाइल। अब ये हिपेटिक सेल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है, स्पेस है, जैसे ये एक हिपेटिक सेल्स है तो ये एक स्पेस। अब ये हिपेटिक सेल्स मिलके एक डक्ट बना देती, ये नेक्स्ट ये भी डक्ट बना देगी, यहाँ से कवर्ड रहती है, तो ये सब एक डक्ट बनाती है। तो ये डक्ट बीच में से जाती है ऐसे, ये डक्ट जाती है और ये ओपन होती है आउटसाइड। तो ऐसे हेक्सागोनिकली छह साइड से डक्ट ओपन हो। ये मैं एनाटॉमी ले रही हूँ विच इज नॉट गिवन इन द NCERT बट इट इज देयर। तो ये हो गई हिपेटोसाइट,
अब भी जैसे यहाँ पे भी यही हिपेटोसाइट्स होंगी, इन बिटवीन दिस हिपेटोसाइट्स दिस प्लेसेस आर प्रेजेंट, ये हिपेटोसाइट्स के बीच में ये स्पेस प्रेजेंट है जिसमें ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है, नर्व भी प्रेजेंट है, इनको कहा जाता है बेटा साइनुसॉइड। साइनुसॉइड एम्प्टी स्पेस के अंदर जिसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फ वेसल्स। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इनमें ये यहाँ साइनुसॉइड्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, ये बड़ी बड़ी साइज की जो सेल्स बना रही हूँ ये होती है कुफर सेल्स। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट में। अब आप कहोगे मैम कुछ छोटा भी है हमारे लिए, वापस भी आ सकता है। कुफर सेल्स होती है बच्चा कहाँ प्रेजेंट होती है? इन द साइनुसॉइड्स, इसमें प्रेजेंट होती है साइनुसॉइड्स में। क्या काम करती है? तो बच्चा ये फैगोसाइटिक इनएक्शन, फैगोसाइटिक इनएक्शन यानी कि कोई भी पैथोजन अगर वो लिवर में एंटर कर जाता है तो वहां पे वो उसको खा जाती है। जैसे अपन ने कहा था कि कनेक्टिव टिश्यू में कौन सी सेल्स फैगोसाइटिक इनएक्शन होती है बेटा? मैक्रो, वेरी गुड, मैक्रोफेज, वेरी गुड। नहीं प्रमेयम, यही गड़बड़ नहीं, इसलिए भी नहीं ठीक था। मैक्रोफेजिस, ब्लड में जो फैगोसाइटिक होती है मास्ट सेल। तो बेटा मास्ट सेल तो तीन चीजों का सिक्रीशन करती है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन का। ये फैगोसाइटिक इनएक्शन, हाँ फैगोसाइटिक, हाँ वो उसके अंदर ब्लड के अंदर हम लोग कह देते हैं जो मोनोसाइट्स होती हैं दे आर आल्सो फैगोसाइटिक इनएक्शन। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, लिवर में कुफर सेल्स हो गई है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैक्रोफेजेस हो गई और उनके अंदर मोनोसाइट्स हो गई। तो ये कुफर सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईटिंग अप द पैथोजन, तो ये हो जाती है फैगोसाइटिक इन स्ट्रक्चर। तो ये इस तरह के पूरे लोब्यूल्स होते हैं, ऑल लोब्यूल्स कनेक्टेड टूगेदर, पूरे लेफ्ट लिवर लोब्यूल्स के लोब कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होने के बाद में वो लेफ्ट हिपेटिक डक्ट बनाते हैं। राइट के सारे लोब्यूल्स कनेक्ट होके और सब उनकी डक्ट्स कनेक्ट होके वो बनाती है लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, और फिर अल्टीमेटली जो बाइल रिलीज होता है बाय दीज हिपेटोसाइट, दे एंटर इन द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर उसे स्टोर करता है और स्टोर करने के बाद उसका सिक्रीशन करता है व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। ओके, तो ये हो गया बच्चा हम लोगों के लीवर का स्ट्रक्चर। चलो थैंक यू बेटा, बाय, खाना खा लो।